निकाय चुनाव की मतगणना के बाद से झिंझाना की रियासत में अचानक उबाल आ गया है। इसका कारण सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ रहे तीन प्रत्याशियों को कौम का गद्दार और दलाल बताया गया है। इतना ही नहीं, उनकी फोटो भी वायरल की गई है और इसका दोषी मात्र 14 मतों के अंतर से हारे झिंझाना नगर पंचायत के अध्यक्ष नौशाद कुरैशी और उनके समर्थकों को बताया जा रहा है, जिसको लेकर संबंधित प्रत्याशियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस पोस्ट को लेकर काफी लोगों में रोष है। दूसरी ओर आरोपी प्रत्याशी का कहना है कि उन्हें कौम का गद्दार नहीं कौम का रहबर बताया है, क्योंकि इन तीनों प्रत्याशियों ने भाजपा प्रत्याशियों की ओर से एक प्रार्थना पत्र दस्तखत करके पुनः मतगणना की मांग करते हुए मुझे हराने का काम किया है। बाकी के आरोप निराधार हैं और जनता क्या कह रही है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जरा देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। निकाय चुनाव के बाद जनपद शामली के झिंझाना कस्बे में यहाँ की सियासत में एक उबाल आया हुआ है। मतगणना के बाद से एक जुमला इस तरह का सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें कौम के गद्दार कहा गया है और वो आरोप नौशाद कुरैशी पर लगा है। नौशाद कुरैशी अब तक चेयरमैन नहीं हैं और इस बार भी चुनाव में रहे, बहुत अच्छी लीड लेकर के सबसे आगे रहे। नौशाद जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला है, इन पर जो आरोप लगे हैं क्या ये पूरा मामला है। नौशाद जी शुक्रिया वर्मा जी आपका और आपके चैनल का और सभी मेरे मीडिया के सभी लोगों का। आप पर आरोप लगे हैं कि आपने किसी को कौम के गद्दार बताया है। वे लोग वे हैं जो इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे, प्रत्याशी थे, आप पर आरोप है, क्या है पूरा मामला? नहीं, मैंने कौम के गद्दार तो नहीं कहा, मैंने कौम के रहबर कहा कि अपने आप को जो कौम के रहबर बनते थे वो दो मिनट में जाके बीजेपी के कैंडिडेट की गोद में बैठ के मुझे हरवाने के लिए रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन पे उन लोगों ने साइन किए। मैं अब शब्द किसी को नहीं कहता, हाँ ये जो मेरे साथ हुआ है वो तो बताने का मुझे हक है और बाकी गद्दार या जो भी कुछ कहा है पब्लिक है, अब पब्लिक तो जो मुँह आएगी भाई जैसा उनको लगेगा कहेगी। मैंने गद्दार किसी को नहीं कहा, हाँ कौम के रहबर जरूर कहा है, क्योंकि जो अपने आप को कौम के रहबर बनते थे उन लोगों ने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन पर साइन किए और रिकाउंटिंग हुई और मुझे साजिशन हराया गया। सोशल मीडिया पर बताया गया कि आपके माध्यम से भी इस तरह का प्रचार प्रसार किया गया क्या? मैंने कहा ना अभी आपसे, मैंने कौम के रहबर कहा है, जो कौम के रहबर बनते थे अपने आप को उन लोगों को कहा है। उन तीन लोगों ने सुरेश पाल कश्यप जी के साथ भी साइन किया और तब रिकाउंटिंग हुई और मुझे हरा दिया गया है। जब बुलाई है क्या पूरा मामला है? मैंने वर्मा जी प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि आप लोग आए, मेरे बुलाए से बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरा कहना यह है कि देखिए निकाय चुनाव हुआ है अभी और 13 तारीख में काउंटिंग हुई जी, तो कल से एक बैठ चल रही है कस्बे के अंदर, एक इंटरव्यू चल रहा कि कुछ लोगों ने कौम के गद्दारों ने हमें चुनाव हरा दिया। कहाँ चल रहा है ये मैसेज? ये पूर्व चेयरमैन जो रहे उनके यहाँ से चल रहा। अच्छा। उन्होंने अपने भी बैठ इंटरव्यू में खुद कहा, नाम लेके मेरा भी नाम लिया, फिरोज भाई का भी नाम लिया, सोनू का भी नाम लिया, हम तीनों का नाम लिया है कि कौम के गद्दार लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें हिंदू और मुसलमान की बात कहाँ से आ गई? कौम की अगर बात करते हैं तो कौम में तो ऐसा नहीं है खाली मुसलमान ही है, कौम के लोग तो हमारे हिंदू भी है, भी इंसान है, भाई है हमारे। अगर एक बार ये चेयरमैन रह चुके हैं, दोबारा अगर एक सुरेश पाल कश्यप चेयरमैन बन गया तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई जलत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आदमी को, और कस्बे की जो एकता है उसको ख़त्म कर रहे हैं लोग, कौम पे चुनाव बांट रहे हैं। गद्दारी की बात कहाँ से आ गई? 4,500 मुसलमान मेरी और सोनू की फिरोज के साथ रहा तो सब लोग गद्दार है इसके मतलब में लोग सबके सब। गद्दार वाली बात किसने कही है? ये गद्दार वाली बात खुद पूर्व चेयरमैन कह रहे हैं, पूर्व चेयरमैन का परिवार कह रहा है, फेसबुक पे चल रहा, व्हाट्सएप पे चल रहा, ट्विटर पे लगा हुआ है कि भाई कौम में तीन लोग गद्दार है, इन लोगों ने जो है गद्दारी करी। कुछ चेयरमैन ने अपने मुँह से कहा, पूर्व चेयरमैन नौशाद जो है, पूर्व चेयरमैन जो नौशाद है जो रह गया पिछली बार, उसने खुद अपने इंटरव्यू में कहा, आप सुन लीजिए मोबाइल पे चला हुआ है कि भाई तीन लोगों ने जो है वो तो भाजपा प्रत्याशी जा रहा था, इसको बुला के जबरदस्ती तरीके से करा गया कि प्रशासन ने जबरदस्ती मुझे चुनाव हराया। प्रशासन ने कोई वहां जबरदस्ती किसी पे नहीं की, प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे, लाइटें खूब लगी हुई थी, एडीएम साहब थे, एसपी सिटी साहब थे, एसडीएम साहब वहाँ मौजूद थे,
आर ओ साहब मौजूद थे, कोतवाल साहब मौजूद थे, सब लोगों ने लाइट जलवा के बहुत अच्छी तरीके से वीडियोग्राफी कराई, मीडिया को बुलाई, सभी कैंडिडेटों को अंदर बुलाए और हमको ही बुलाया गया। सब कैंडिडेट मौजूद थे वहां पे। जो वोट खराब हुआ हुआ था, जो जबरदस्ती इनके गुंडे तत्व जो एजेंट थे वहां, जिन्होंने गुंडे करके वहां जो है वोट जबरदस्ती कस्टम के खराब कराए थे, उन वोटों को दोबारा दिखाया गया। उसमें नौसाद भी मौजूद था, मैं भी था, राकेश सैनी भी था, फिरोज भी था, सोनू भी था, सब कैंडिडेट मौजूद थे। सबको दिखा के 24 वोट उसके सही निकले। किसके? सत्ता पक्ष के जो जो अभी चेयरमैन है जीते हैं जो, हाँ उसके जो है मौजूदा जो। जी मैंने आपको इसलिए बुलाया, एक दो तीन दिन से जिस दिन से काउंटिंग हुई, एक उस पे सोशल मीडिया पे इस तरह का चल रहा कौम के गद्दार। ये जो काउंटिंग हुई सब लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रिकाउंटिंग कानूनी अधिकार है, सेकंड नंबर जो पे जो रहता है उसको हम चाहें या ना चाहें, रिकाउंटिंग उनका कानूनी अधिकार है, वो कानूनी अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता, वो होनी तय है। रिकाउंटिंग हुई, जो भी हुआ वो हमारे बस की बात नहीं थी कि भाई हम करा रहे या वो करा रहे, वो आप लोगों को भी पता, कानून भी है ये कि रिकाउंटिंग सेकंड नंबर का पर्सन करा सकता है। रही कौम के गद्दारों की बात, कौम के गद्दार तो वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल चेयरमैन नहीं करी, कौम के वोट लिए और पूरे 5 साल भाजपा की गोद में वो लोग बैठे जाके, उनके घर पे भी पूरे 5 साल झंडा रहा भाजपा का, उन्होंने भाजपा का एजेंट बन के काम किया। हमारे समाजवादी के जो कैंडिडेट, जो उपचुनाव हुआ इन 5 सालों में, एमपी का चुनाव हुआ या विधानसभा के चुनाव हुए, उन लोगों ने पूरे कस्बे को बताया, भाजपा का एजेंट बन के काम किया और भाजपा का झंडा रहा। यहाँ हमारे यहाँ के एक जिला अध्यक्ष जब बन के आए थे, सब लोगों को पता, 50-60 लोग लेके रास्ते में सबसे पहले स्वागत इन भाजपा के एजेंटों ने किया था, इन्होंने किया था। ये बात अगर मेरी झूठ हो तो ये आके मुझे बता दो तो मैं गलती मानूंगा कि हाँ। और रही भाजपा की बात, भाजपा के लोग यहाँ पर जो और कैंडिडेट हैं सब भाजपा की गोद में बैठने लग रहे हैं जाके। मैं समाजवादी का कैंडिडेट हूँ, सड़क से लेके सदन तक अगर कोई मुखालफत करता है वो समाजवादी करता है, और झिंझाना में भी और सड़क से लेके सदन तक समाजवादी की मुखालफत हम लोग करेंगे, और कोई भाजपा की मुखालफत हम लोग करेंगे।